पीथमपुर औद्योगिक नगरी पीथमपुर सागर इंदोरामा आज प्रदेश सरकार द्वारा 16 दिसंबर से 26 जनवरी तक निकाली जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा क्षेत्र के पीथमपुर के सेक्टर 1 स्थित महाराणा प्रताप बस स्टैंड पहुंची। कार्यक्रम में विशेष रूप से अलीराजपुर से विधायक एवं पर्यावरण व वन मंत्री नागर सिंह चौहान एवं धार विधायक नीना वर्मा शामिल हुई। नगर पालिका की अगुवाई में हुए इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से जनमानस को सीधे अवगत कराना एवं विभिन्न कार्यक्रम हितग्राहियों को शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ दिलाना और उन्हें जागरूक करना है, जिसमें मुख्य रूप से स्वरोजगार योजना, आयुष्मान भारत योजना, स्वनिधि से समृद्धि योजना आदि योजनाएं शामिल है। जनता को नगर पालिका द्वारा विभिन्न योजनाओं से अवगत करवाने हेतु एवं तत्काल लाभ दिलाने हेतु विभिन्न स्टॉल लगाए गए, जहां लोगों से कार्यक्रम के पश्चात सीधे पहुंची योजनाओं को समझा और लाभ पाया। पीथमपुर से संजय सोनग्रा की रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में विकसित संकल्प यात्रा जो जारी चल रही है और उसी कार्यक्रम में आज मेरा यहाँ से अलीराजपुर का दौरा था, तो मैंने सोचा कि जब यहाँ पे विकसित भारत संकल्प यात्रा निकल रही है और मुझे कहते हुए खुशी है कि जो विकसित संकल्प भारत यात्रा है, इसके माध्यम से जो हमारे आम गरीब लोग किसी भी योजना से वंचित नहीं रहे, ये देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है। और आज आपने देखा होगा कि यहाँ पर सारे स्टॉल लगे हैं, जो व्यक्ति को लाभ देना उसको लाभ भी दे रहे हैं और जो व्यक्ति जिसका अधिकार है उससे वंचित है उनका आज यहाँ पर पंजीयन भी कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा कदम है जिससे जो अंतिम व्यक्ति का जो विकास करने का हमारा लक्ष्य है वो पूरा होगा। फैलाई जा रही है कि कुछ योजनाएं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।